तैकुम नाजरीन इकरामी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। NABTC जॉब्स, ये जॉब्स आ गया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, PM की तरफ से। इसमें जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की आपको इसमें दी जाएगी। NABTC स्टैंड फॉर क्या है? नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कम्युनिकेशन, NABTC है। NABTC जो वर्क है वो अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के थ्रू कर रहा है 2005 से। ये परमानेंट जॉब 100% गवर्नमेंट का अदारा नहीं है, सेमी गवर्नमेंट का अदारा है। ये अंडर कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस के, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के, PM के ऑफिस के। जो इनको रिक्वायरमेंट है वो आपको सभी बताएंगे। ये वोकेशनल जिसे हम कहते हैं ना, उसमें जॉब्स आई हैं। नेशनल वोकेशनल एंड ट्रेनिंग टेक्निकल ट्रेनिंग कम्युनिकेशन NABTC इसको भी कहते हैं। ये 25 अप्रैल 2024 को आई है। इसकी जो लोकेशन है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान वाले अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ऑल ओवर पाकिस्तान वाले। और इसमें जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट है वो बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री है। इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 10 मई 2024 है। आपने 10 मई 2024 से पहले पहले अप्लाई कर लेना है। इसमें जो वैकेंसीज है वो मल्टीपल वैकेंसीज हैं, उनकी तादाद नहीं है, मल्टीपल है जितनी हो सके। उसके बाद कंपनी आ जाती है इसकी, नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कम्युनिकेशन, NABTC। इसके आ जाता है एड्रेस इसका, डिप्टी डायरेक्टर HR NABTC, प्लॉट नंबर 38, तीर्था रोड, सेक्टर H9/4, इस्लामाबाद। इसमें जो जो जॉब्स आई है उनके नाम, असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल विंग्स, या डिप्टी दूसरी है डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल विंग्स, तीसरी है डायरेक्टर टेक्निकल विंग्स, चौथी है डायरेक्टर जनरल A&F रीजनल DG, और पांचवी टाइप की जॉब है डायरेक्टर जनरल टेक्निकल विंग्स। ये जो करंटली जो NABTC ऑफिसर रिक्वायरमेंट है, उनको एम्प्लॉयमेंट है, वो डायरेक्टर जनरल A&F या रीजनल DG, डायरेक्टर जनरल टेक्निकल विंग्स, डायरेक्टर टेक्निकल विंग्स और डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल विंग्स, और इसके अलावा एंड जो असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल विंग्स है। इसके आल्सो रिलेटेड जो जॉब्स है वो ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जॉब्स है। उसकी वेबसाइट है jobs.ecp.gov.pk। जो कैंडिडेट पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के हैं वो, और उनकी जो डिग्री है वो बैचलर और मास्टर डिग्री है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एरिया क्राइटेरिया है सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा, एडवाइजमेंटेशन भी इसी वीडियो में दिखाई जाएगी। इसमें अप्लाई कैसे करना है आपने? आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू नेशनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज टूल्स NEST की वेबसाइट से अप्लाई करना है, www.jobs.gov.pk से। इसके बाद डायरेक्टेड इन्वेशनल हु द प्लेयर इन द इंटरव्यू, डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म द NABTC वेबसाइट एंड ब्रिंग इट कंप्लीट आर रिस्पेक्ट्स।
आपने 15 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन सबमिट करनी है, मीन्स के लास्ट डेट इसकी 10/12/2021। नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कम्युनिकेशन कमीशन NAVTTC जॉब 2024 एडवाइजमेंट। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पब्लिक नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन NAVTTC हेडक्वार्टर प्लॉट नंबर 30 कैथ रोड सेक्टर H9/4 इस्लामाबाद। इसमें जो फर्स्ट जॉब है उसका नाम है डायरेक्टर जनरल ANF या रीजनल DG। जो रेगुलर गवर्नमेंट ऑफिसर है ये 19वीं 20वीं ग्रेड है इसका, विद इन जो है 17 और अबव ईयर एक्सपीरियंस इन फील्ड होना चाहिए। और इसका एलिजिबल जो क्राइटेरिया है वो है आपने OMG या PSA इंफॉर्मेशन ग्रुप एंड एक्टर्स एंड अकाउंटेंट ग्रुप्स, और दूसरा है फेडरल एंड प्रोफेशनल SES कार्ड ऑफिसर परफेक्टली सेक्टर इंफॉर्मेशन एटीट्यूड एंड अकाउंटेंट ग्रुप्स। दूसरी जॉब आती जाती है डायरेक्टर जनरल टेक्निकल विंग्स, ये रेगुलर गवर्नमेंट ऑफिसर है, ये भी 19वीं 20वीं का ग्रुप है। इसमें भी जो है 15 और या 15 ईयर से अब एक्सपीरियंस इन रिलेटिव फील्ड होना चाहिए। जो टेक्निक इसमें जो एजुकेशन वगैरह है बाकी सब में सेम है, वो मैं आपको नाम पहले बता देता हूँ फिर बाद में एजुकेशन वगैरह वाले एलिजिबल क्राइटेरिया, बाकी सबका सेम है, सिर्फ एक का डिफरेंट है। तीसरे नंबर पर आता है डायरेक्टर टेक्निकल विंग्स, रेगुलर गवर्नमेंट ऑफिसर है, ये 18वें 19वें स्केल का ऑफिसर है और इसमें मिनिमम 10 ईयर या अबव ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटिव फील्ड में। आगे आ जाता है डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल विंग्स है, ये भी रेगुलर गवर्नमेंट ऑफिसर ऑफ BS18 विद मिनिमम 5 ईयर या अबव एक्सपीरियंस इन रिलेटिव फील्ड। लास्ट पे आ जाता है असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल विंग्स, ये 17वें स्केल की जॉब्स हैं, इसमें 2 साल या 2 साल से ऊपर रिलेटिव फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए। आगे आ जाता है नंबर 1 टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी और सिंपल बॉडी ऑन फेडरल प्रोविजनल गवर्नमेंट। नंबर 2 इसकी क्राइटेरिया में है नेशनल कैरिकुलम काउंसिल एनी विंस सिलेक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंक्लूडिंग PK सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन डिलेइंग क्रीमिंग स्टैंडिंग्स स्टैंड्स और TVET मैनेजमेंट रिलेटिव एक्टिविटीज। नंबर 3 है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ट्रेड टेस्ट बोर्ड। नंबर 4 है हायर एजुकेशन कमीशन नेशनल स्कॉर्डिंग काउंसलर पाकिस्तान इंजीनियर काउंसलर। नंबर 5 आ जाता है सेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन डिलेइंग अकॉर्डिंग सर्टिफिकेशन असिस्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ME। और छठा इसमें आ जाता है प्रोफेशन विद मिनिमम कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर इंजीनियर सोशल मीडिया एंड एनी अदर स्मॉल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस हैज रिक्वायर्ड फॉर सिलेक्शन पोजीशन इन अकॉर्डेंस विद NAVTTC सर्विस रेगुलेशन 2018 विद परफेक्ट फ्रॉम फेडरल एंड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग टीचिंग फैसिलिटी।
तो नाजरीन करामी, ये जो है ये बहुत ही अप लेवल की जॉब्स हैं, तो इसमें उन्होंने रिक्वायरमेंट भी अप ही रखी है। 19वीं 20वीं लेवल या 17वें ग्रेड से ऊपर ऊपर की जॉब्स है ये सब। आगे आता है कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोजेक्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई जस्ट एनी ऑफ द अबव मेंशनड पोस्ट। और इसमें जो रेगुलर गवर्नमेंट है सिविल सर्विस वर्कर इन फील्डर है या प्रोफेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अकाउंटेंट्स है, बिल्डिंग है, 17वें से 20वें स्केल का रिक्वायरमेंट सबमिट एप्लीकेशन है NAVTTC। इसका जो जॉब पोर्टल है वो www.gobs.gov.pk है। मीन के जॉब्स गवर्नमेंट पीके से अप्लाई होगा। और इसमें जो एडवाइजमेंटेशन आर नॉट प्रिपेयर एनी राइट ऑफ अपॉइंटमेंट और डिपेंडमेंट बेस। NAVTTC जो है वो रिजर्व द राइट एंड कैंसल द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन द पेंशन असिस्ट द अबव पोस्ट ऑफ द अबव पोस्ट एट एनी विदाउट असिस्टेंट एनी रीजन। उन्होंने कहा अगर आपने इससे ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई किया तो आपको वो ख़त्म हो जाएगी पोस्ट का ताल्लुकात, आपकी फाइल रिजेक्ट कर दी जाएगी। इसमें TA DA नहीं है। जो भी एलिजिबल है इस जॉब के वो लाजमी अप्लाई करें। ये जॉब दिया डायरेक्टर एडमिन ने। इसकी वेबसाइट है www.navttc.gov.pk। जो ये नेशनल प्राइम मिनिस्टर जॉब्स है, नेशनल वोकेशनल एंड ट्रेनिंग टेक्निकल ट्रेनिंग कम्युनिकेशन NAVTTC की वेबसाइट लास्ट पे बताई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो सॉरी माजरत। काइंडली बी केयरफुल एंड लाजमी अप्लाई करें, बहुत ही अप लेवल की ये जॉब्स हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।